जिसके बैकलॉग्स होते हैं ना यार, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता। एक टाइम पे बैकलॉग इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको सब कुछ इम्पॉसिबल सा लगने लगेगा, और इस सब के पीछे की वजह आप खुद होते हैं। बैकलॉग्स ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। अगर आपके बैकलॉग्स नहीं है तो आप अपने सिलेक्शन के बहुत करीब हैं। मान के चलिए 50% कॉम्पिटिशन तो आपने यहीं पे कवर कर लिया। बैकलॉग्स तो आपके होना ही नहीं चाहिए। अब इनमें से रीजन चाहे कोई भी हो सकता है, फैमिली की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से, लेट एडमिशन या हेल्थ इशू, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वजह है आप खुद की वजह से। अब इसका क्या मतलब है? आपका आलस। और सबसे ज्यादा यार हैरानी मुझे इस बात की होती है कि यार अभी तो सेशन बस स्टार्ट ही हुआ है और अभी इतने सारे कमेंट्स बैकलॉग्स के ऊपर आ रहे हैं। तो प्लीज यार ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये मिस किया, अगर आपके बैकलॉग लगे तो आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो मेक श्योर वीडियो को यार पूरा देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो। ट्रस्ट मी, अगर आपका ऐसे बैकलॉग लगता रहा तो एक टाइम पे बैकलॉग इतना ज्यादा हो जाने वाला है कि आपको सब कुछ इम्पॉसिबल लगेगा, यहाँ तक कि आपका सिलेक्शन भी, क्योंकि धीरे धीरे कोर्स छूटने लगेगा। और अगर आपका कोर्स छूटा, चैप्टर्स छूटे, तो आपके एग्जाम पेपर जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें मार्क्स कम आएंगे, और अगर मार्क्स कम आएंगे तो आप खुद से डिमोटिवेटेड होने लगेंगे। इस वजह से बढ़ेगा मेंटल प्रेशर, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको कैसे मैनेज करते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। बैकलॉग रेत की तरह होता है, जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती चली जाती है, उसी तरह बैकलॉग धीरे धीरे कब बढ़ जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। बैकलॉग जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में काम करता है, मतलब पर डे ये आपका बढ़ेगा अगर आपने ये कंप्लीट नहीं किया तो। और इसकी सबसे ज्यादा वजह आपका आलस है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। इसके पीछे की वजह आप खुद होते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि यार डेली का डेली काम पूरा करो, अगर फिर भी रह जाता है तो उसको अगले दिन कंप्लीट करो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपने आज छोड़ दिया, कल छोड़ दिया, परसों छोड़ दिया, तो ऐसे धीरे धीरे बैकलॉग्स आपका बढ़ता चला जाएगा। तो प्लीज यार मेंटेन करो इस चीज। तो प्लीज यार डेली का डेली वर्क पूरा करो और अपने टाइम को मैनेज करो। तो आई होप यार अब आप सभी को टाइम मैनेजमेंट करना आ गया हो, क्योंकि मैं इस पर एक फुल डिटेल्ड वीडियो पहले ही बना चुका हूं। तो यार अगर आपने अब तक नहीं देखे तो प्लीज उसको देखो, और सेशन शुरू हो चुका है तो अगर आपने अब तक तैयारी करना शुरू नहीं किया तो प्लीज यार तैयारी करना शुरू करो, क्योंकि अब अपने पास 7 महीने ही बचे हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो यार प्लीज वो वीडियो देखो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखो, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका सिलेबस तो रुकने वाला नहीं है, पर डे का पर डे होना ही होना है। तो वो मैंने टाइम टेबल मैनेजमेंट वाले वीडियो में बता रखा है, तो आप वहां से उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। अगर आपका फिर भी बैकलॉग है तो आप इसको कंप्लीट कैसे करोगे? तो देखो, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि आपने आज की कोचिंग से छुट्टी ले ली, आप पूरा दिन बैठ के नोट्स बना रहे हो। तो यार क्या आप नोट्स बनाने आए हो? नोट्स नहीं बनाने हमें, बैकलॉग लगा हुआ है तो धीरे धीरे कंप्लीट होगा। आपको ये सबसे पहले मैनेज करना पड़ेगा। 1 घंटा आप रिविजन टाइम में से कम करो, 1 घंटा आप सोने वाले टाइम में से कम करो, धीरे 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 बैकलॉग्स कंप्लीट होगा। अगर 1 हफ्ते में आप बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ नोट्स बनाने आए हैं, इसका मतलब ये है कि आपको उसको समझना भी पड़ेगा। और अगर छुट्टी लेके आपको करना है तो यार प्लीज यार ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हम नोट्स बनाने नहीं आए हैं, हमें आराम से समझना है, समझ के धीरे धीरे करना है। 2 घंटे पर डे तो सफिशियंट है बैकलॉग्स के लिए। अगर आपके एक एक चैप्टर भी छूटा हुआ है तो आराम से 2 हफ्ते में वो इजीली हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का। आपको अपने बैकलॉग्स आराम से कंप्लीट करने हैं, धीरे धीरे पर डे 2 घंटे देके छुट्टी नहीं मारनी है, क्योंकि अगला बैकलॉग हो जाएगा। और अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड के लिए फ्लो चार्ट, शॉर्ट नोट्स, DPP, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा सीट, मैं सब कुछ ग्रुप में डाल चुका हूँ, ऑलरेडी पिन कर चुका हूँ, तो मेक श्योर आप देखो। और ये हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम मत रखा करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो सर्वत्रम के स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश भी आए, और जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं आती है। तो यार जो इम्पोर्टेंट होता है वो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाता हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा सीट, फ्लो चार्ट, फॉर्मूले वो तो इंग्लिश में ही होते हैं, हिंदी में पढ़ोगे तब भी आपको इंग्लिश में ही होंगे। और इतना समझ में आता है हर किसी को, मुझे भी आता था, मैं भी हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिले, आपको पता हो, क्योंकि भाई MBBS इंग्लिश मीडियम में है टोटल, वहाँ पे आपको हिंदी कोई नहीं बोलने वाला। नोट्स बनाते टाइम यार ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नोट्स आप अपने हिसाब से बनाओ, कॉपी मत करो। अगर आपको नोट्स बनाना नहीं आते तो यार प्लीज कमेंट करना, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है और मुझे नहीं आता था। एक बार मेरे फिजिक्स वाले सर ने मुझे इसी बात पे पूरा लेक्चर दिया था 1 घंटे। आप अपना टाइम मैनेजमेंट आराम से करो, मिस्टेक्स को कम करो, अगर हो गई है तो उसको सुधारो, क्योंकि नीट का पहला रूल है मैनेजमेंट, और वो आपको आना चाहिए।
और गलतियां बहुत कम होनी चाहिए। अगर आपने मिस्टेक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर आप मिस्टेक्स वाला वीडियो देखो, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और सर्वत्रम को ज्वाइन करो। आई होप आपको यार इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ आया हो, आपका अब बैकलॉग से लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लगता है। तो थैंक यू।